वेरी एक इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड. सो इट इज नॉट अब ट्रीटमेंट. सो नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. फोर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो रिमेंबर यू कैन रिमेंबर इंटेंसिव इज इंडिपेंडेंट. दोनों में एक आ रहा है, इंटेंसिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड. इंडिपेंडेंट ऑफ लास्ट प्रॉपर्टीज होंगी जिनको लास्ट चेंज करने से चेंज ना कर सके. जैसे एग्जाम्पल से करो, इंटेंसिव में मोलर वॉल्यूम जो है ना, मोलर वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ वन मोल. तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल इफ यू आर चेंजिंग मास, आई टेक ओनली वन मोल फॉर कंसीडरेशन, फॉर मोलर वॉल्यूम सिक्स. इंडिपेंडेंट बिकॉज अगर वॉल्यूम चेंज करोगे तभी तो उसके करस्पॉन्डिंग मास चेंज हो. तो डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास इन अ वे. क्योंकि अगर आप मास चेंज करोगे वॉल्यूम तुरंत चेंज हो, डेंसिटी और वॉल्यूम चेंज. थिंक अबाउट अ ग्लास ऑफ वाटर इन विच यू हैव 3 टीस्पून ऑफ शुगर, हम उसमें उसकी डेंसिटी फिक्स करते हैं. उसमें से आप 1 टीस्पून लो, पूरा ग्लास लो, आधा ग्लास लो, डेंसिटी में फिक्स है. सॉलिड पार्टिकल की डेंसिटी इज दैट वाटर सॉल्यूशन से. तो दैट की सेंस में डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट और इंटेंसिव प्रॉपर्टी. लाइक वाइज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ईटर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सरफेस हीट, प्रेशर, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी. डजंट डिपेंड ऑन मास. मास से भी अगर ये आपने 50 किलोग्राम वाटर ले लिया तो बॉइलिंग पॉइंट अलग हो गया, और 10 किलोग्राम वाटर लिया तो बॉइलिंग पॉइंट अलग हो गया. ऐसा होता ही है. तो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, तो दीज आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. व्हाट इज आइसोथर्मल? टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. टेम्परेचर चेंज नहीं होने के प्रोसेस में. अगर हम टीवी ग्राफ शो करते हैं तो हम टीवी ग्राफ रियल टाइम दिस काइंड ऑफ पैटर्न, एंड दीज लाइन्स आर कॉल्ड आइसोथर्म. सो नोट ऑन दिस, दीज लाइन्स आर कॉल्ड आइसोथर्म. टी वी एंड डी रिलेशन. तो एक्स तो डी डब्ल्यू ग्रेटर देन माइनस पी डी. लॉजिक बोल अप्लाई होता है कि हर एक टाइम पे प्रेशर बैलेंस हो. इसको मैंने बहुत कुछ एग्जाम्पल से पहले ही बताया आपको. फॉर एग्जाम्पल वॉज थिंक अबाउट दिस अरेंजमेंट. हिंदी के हाई वॉज एक्सटेन सिलेंडर अरेंजमेंट, एंड यू हैव फैन कैप्ट एंड यू टेक अदर अरेंजमेंट एंड यू हैव स्टोन कैप्ट ऑन इट. In case number one, I am removing one sand at a time. So removing one sand particle, second sand particle, third sand particle. This process will be very slow process, and this will move up, balancing all the forces all the time. See, inside glass is there. If you are releasing some weight, that means that system will move up, and that movement is very slow because you are removing one by one sand particle. Okay. In this case, you are removing stone, but stone will not wiggle back. So it's not dm, it is something like delta m. Are you getting it? वहां पर डिफरेंशियल मास आप हटा रहे हैं धीरे धीरे. तो प्रोसेस कैसे रहे? रिलेटिवली स्लो, वेरी स्लो प्रोसेस. ईच एंड एवरी टाइम यू गेन द प्रेशर इज बैलेंस. इट्स लाइक दिस. और वहां पर कैसे रहे? बीच में दिस जितनी बार हटाएंगे मास उतनी मास सिस्टम तुरंत एक लो सुपर लेयर, एंड दैट जर्क इज नॉट टू. तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे कैसे फास्टर मूवमेंट हो रही है ना. सो इन दैट केस आई कैन से दिस इज डेल्टा एंड दिस इज डीएम, दिस इज रिवर्सिबल एंड दिस इज इररिवर्सिबल. मोड ऑन दिस, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफी कुछ समझ में आता है. रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल. नाउ इफ यू वांट टू शो रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल ऑन ग्राफ ऑफ टीवी ग्राफ ऐसे. So in the reversible means if you are moving this way completely, and if you want to make this process reversible, you have to change that step by step, the same path. Then it is called a reversible process, 1-2-2 and 2-2-1. Then it is called reversible process. And if it is like PV graph, now PV graph is like this, that we are coming back from V to P with this way. So this process cannot be called reversible. This is called cyclic only. So it depends on that. Cyclic or reversible. Cyclic process same path travels करेगा तो ये रहेंगे. So can I say cyclic process is never not reversible. But reversible process is always cyclic.
Reversal cycle is always cycle. It's not everything. These are very important statements. Why we tell you have to do that? So reversal cycle, well done for isothermal case. Now well done for isothermal case, I am saying T external is balancing internal force at every point of time. And T external can be written as NRT upon V. Now suppose NRT upon V, this will become NRT dV upon E is equal to dW. So what is well done? Integrate both sides. Temperature is a constant because this is isothermal. So temperature is a constant. Number of moles will not change. That is called conservation of mass. And R is gas constant, universal gas constant. Value is 8.314 joules per mole Kelvin or 0.02 liter atmosphere per mole Kelvin. Now in this case we will apply generally joules per Kelvin. Okay, joules per mole Kelvin. Reason being we have to use Ampere's units. So then only it will be larger in joules. Okay. So NRT integrate dV upon V. You have to remember this law. Well done will come out. The limits are V1 to V2. And here 0 to W. So you can say integral dW will give you final well done. And this is minus NRT. Ln of. Now ln V again. dV upon V is ln V. And limits are V1 to V2. So what is answer? Minus NRT ln of V2 upon V1. Ln. Ln is log at the base 2. If you want to convert this equation into log at the base 10, then you know the result. Log at the base E times X can be written as log X at the base 10 into log 10 at the base E. What is this value? 2.303. And that's why, if you convert into log X at the base 10, then this value will become minus 2.303 MRT log of V2 upon V1. Question bahut bar aa chuka hai is tarah. Very important relationship, let me show you. Take on this. Eight. Yes? Or delta U kya hai? Delta U kya hai? Delta U can write MCU delta D. What is delta? NR delta D. What is delta U? Delta U is MCP delta D. And CP delta D. Answer is? And delta D answer is? Why is answer is? So this result CP can be written as delta S upon delta D at constant pressure. And CP can be written as del U upon del T. Now remember, CP is defined as constant volume. So this is del U upon del T at constant volume. So an example question, S is given as 4 plus 5.2 T minus 3.6 T square. Find out CP. कैसे करोगे? तो समझो कि ना डिफरेंशिएट कर रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं आपसे डीएल का कौन डीडी कैसे करोगे फाइंड आउट सीसी आठ सेवन मिलेगा सी एन ए सेवन तो क्या करोगे डी का कौन डीडी कितना होगा जीरो प्लस फाइव पॉइंट टू माइनस थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टू सी एंड यू शुड सी इन दिस इक्वेशन ये भी सीखने का होगा तीन सौ चार सौ भी एडर गेम चलिए आंसर आ जाएगा पूरा समझ आ रही जैसे जैसे एग्जाम में आ चुके हैं पहले का नहीं है ऐसा नहीं कि नई चीज बता रहे हैं सब आ चुके हैं ये तो रही क्वेश्चन बट रिमेंबर यू शुड नो दिस रिलेशन वेरी वेरी रिलेशन फॉर रिमेंबर नाउ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी टू इज जलस अपॉन डेल्टा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड सी टू इज जलस अपॉन डेल्टा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ओके सी टू वन सी इज जलस And gamma, this is gamma is equal to 1 plus 2 upon x. Note on this. Cp upon T is gamma and gamma is 1 plus 2 upon x. What is this? S is called degree of freedom. What is degree of freedom? If you have x, y and z axis and object is a spherical object. It is a symmetrical object. Then it can move along x, move along y, move along z. So these are three translational degree of freedom along x, y and z. If you have an object which is linear object, again this can have x, y, z, three translational. It can have rotation also because you can rotate it like this. You can rotate it like this. But can I rotate it like this? It will not take any change.
ये रोटेशन से कुछ नहीं हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लैंक ऑफ ऑर्डर जीरो. सो दिस विल नॉट मेक एनी चेंज. सो यू हैव थ्री ट्रांसलेशनल एंड टू रोटेशनल पार्ट. सो नो डाउट दिस लीनियर फ्रीडम इज टेक्निकली थ्री टाइम्स नंबर ऑफ एटम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एज समेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू थ्री टाइम्स एन. एंड वेरी देन एन इज नंबर ऑफ एटम्स टेकिंग पार्टिसिपेशन. So remember, if your gas, if a gas is monatomic gas, helium, helium is single atomic. So for single atomic gas, atoms are one. Other atoms are number 3 and degree 3 into 1. Let's see. How many of you are cross sectional charge? 5 atoms. Other minus is, okay, water is equal to value? H2O. Number of atoms are 3. 3 multiplied by 3 is 9. Degree of freedom for water is 9. Are you clear? So for monatomic gas, can I say F will be 3, for diatomic gas, F will be 6, yes or no? For example, for diatomic gas, it will be 9. But the point is, there are three gas, translational, rotational and vibrational gas. So if it is 3, you can say this is 300. Summation is 3. Rotational degree of freedom, 0. Vibrational degree of freedom, 0. Translational part is 3. Next case, 6. 6 is a 3 atom area. Is that all right? Is the diatomic here? 2 atoms here? Or 2 atoms are rotation with mass of the maximum? 2? Yes, it's a red over here again. Yes, it's a red over here. इसको मैं रेट करके मतलब ही बनता दो आइटम के हमारे यहाँ लगे हुए हैं. अब कैसे रोटेट नहीं कर सकते, जिस प्रकार में गई सर मैंने 3+2 एंड वाइब्रेशन इज 1, दो विल बी 1 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम. वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट सच्चे. ओके, ये मूवमेंट पॉसिबल है. आप दो चार आने का 3 ट्रांसलेशनल, सो 3 आइटम का दो जमीन के नाम रोटेशन अबाउट ऑल पॉसिबल एक्सेस. इसके बाद जो सकता है, इसके बाद भी सकता है वर्टिकली. इसके बाद भी सकता है, तो 3-3 एंड वट अबाउट वाइब्रेशनल पार्ट 3. अब सोचो अगर यही पे सेक्चर डैमेज हो गया 3-4, सेक्चर डैमेज फर्स्ट प्लस में और फिर जो हमारे 12, इसकी मास्टर वैल्यू 3 है, इसकी भी 3 है, तो ये कितने बचे, सब कुछ यहाँ पे चला जाएगा 6 यहाँ पे. तो आफ्टर सम टाइम वाइब्रेशनल पार्ट भी लग गई, अदर टू विल नॉट एंट्री. जब उनकी रास्ता ये कैसे ट्रांसलेशन 3 अच्छे से लाइन सकता है, एक्सपर्ट गेट रिलेशन 3 अच्छे से लाइन सकता है. कौन कौन से अभी एक्सल एक्सल अभी है उसके बाद पहले पास कहां पर जाएंगे वाइब्रेशन. रिमेंबर जनरली फॉर ऑल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वी अज्यूम वाइब्रेशनल कंपोनेंट टू बी ऑलमोस्ट 20% ऑफ द टोटल. दैट्स व्हाई यू कैन मेक इट दिस टाइम. प्लीज अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. फॉर ऑल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वाइब्रेशनल पार्ट इज लेस एंड यू कैन मेक इट दिस पार्ट. इफ यू मेक इट दिस पार्ट your degree of freedom for all particle usage will not be 6, you can use 5. For all usage you can take, I hope I can. Okay? So rather than taking 6 in your formula, you generally take 5 and solve questions. Because we assume that vibration part is almost negligible. Because after level 4 can we discuss karna hai. Electronic spin or vibration part of your course nahi. So wahan pe aapko discuss karna karna hai. 1 plus C upon S. Now what is S? What is S? S is 3. So 1 plus 2 by 3 is going to be 5 by 3. And 5 by 3 is your answer. What is your answer? How many answers? 1.67. I have your answer. 1.67 is your answer. What about this part? Now, if your answer is going to be technically 1 plus 2 upon 6. 2.6 is 1 by 3. 1 by 3 is 4 by 2. And 1.36. ओके लेकिन हाँ अगर उन्होंने बोल दिया डायरेक्शन का निर्णय कर तो कौन से क्या लिखोगे 1+2/5 के लिए कौन सा ला लेंगे. सो आइटम के लिए क्या होगा 1+2/5 9. अरे 9 है तो 9 के लिए क्या लिख सकते थे 6. यहाँ पे 6 सकते और यहाँ पे 5 को कौन सा ला लेते हैं इसलिए वैल्यू क्या हो जाती है 5+1 7/5. आपने सुना जो 7/5 सुना होगा इसमें 1.33 यहाँ नहीं सुना 1.4 सुना होगा और 1.33 यहाँ पे सुनते हैं. इसका रीजन ये वाइब्रेशनल पार्ट को नेग्लेक्ट कर मैं दिखा रही हूँ. तो याद करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट गामा वैल्यू से कन्वर्ट करो.
This is clear? So what is relation? So let's say you have a question. The question is like this. Oxygen gas is given. Find out Cp and Cv of oxygen. You can use gas constant given. Cp upon Cv is how much? Cp upon Cv is gamma. And Cp minus Cv is R. So Cp upon Cv is gamma. Cp ki value kitni aayegi? Gamma times Cv. Kya pe rakhna? Kaise aa raha hai? Cp ko to gamma times Cv rakh do. Cv yahan se aapne common kiya. Gamma minus 1 is R. So Cv is how much? R upon gamma minus 1. Value of Cp kitna aa jayega? Gamma times R upon gamma minus 1. Is that clear? If it is gamma is 1 plus 2 by 5, that is 1.4. If I put it here, or let's say 5 plus 2, 7 by 5 basically. 7 by 5 yahan pe 7 by 5 R upon 7 by 5 minus 1. 7 by 5 minus 1 is 2 by 5. So cancel it here, 7 by 2 R. Or still kya aayega? Jab 7 by 2 R se 5 by 2 R hona padega. So your answer will be 7 by 2 R and 5 by 2 R. Difference will be R. 7 by 2 R minus 5 by 2 R is 2 by 2 R. 2 by 2 R is R. So this is Cp and this is Cv. If A and B are in thermal equilibrium, B and C are in thermal equilibrium, so suddenly A and C are also in thermal equilibrium. Then rule 0 plus. What is first law? First law, delta is Q plus W or delta U is Q plus W. So delta E, you can write Q plus W. Delta U is change in internal energy of system and this is a state function. So remember, this is change in internal energy. Of system. And this is a state function. State function proof करने के लिए एक सिंपल से यहाँ पे रूल होता है. If n is a state function and it depends on two variables x and y, I can always say del 2 m upon del x del y. That is equal to del 2 m upon del y del x. If you do this, then state function is proved. Okay, you learn reciprocity this morning. You learn reciprocity. Function of E and D, you can always write D is equal del U upon del D at constant energy dV, del U upon del T at constant volume dV. First, I have to write U to dV, dV to dV, dV by delta U, delta U. एक बार V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो और यहाँ पे dV लिख रहे हो. एक बार T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक बार यहाँ पे dV लिख रहे हो. जब V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे T क्या है कांस्टेंट, तो ध्यान रखो यहाँ पे कि कांस्टेंट है, dV लिखना कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है. क्योंकि dV वाली क्या होगी, जीरो. dV अगर T कांस्टेंट है, dV कितना होने वाला, जीरो. क्या मतलब है, यहाँ पे आपने T लिखा है तो यहाँ पे dV का कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, और वहाँ पे V कांस्टेंट है वहाँ पे क्या होगा, dV. इज दैट क्लियर? So, likewise, if you understand this relation, try to write on this one. G is, again I'm saying, you simply write a source, but they are enclosed on some other side. Okay? So, G is function of T and T. What is dV? Del G upon del T at constant pressure, dV. Plus del G upon del T at constant temperature, dV. Can you hear it? Okay. Tell me what I'm saying. Do you hear it? This is SUV and this is VAD. इससे अगर चार फॉर्मेटाइज रिलेशन मिलते हैं बिना याद किए, ये डायग्राम जैसे आपने बना लिया, चार रिलेशन आप थोड़ा सा बता सकते हैं बिना कंफ्यूजन के. वो रिलेशन क्या हमें देखते हैं, ये करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको दो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वन एंड टू, एंड दोनों तरफ से एरोज नीचे की तरफ आएंगे. कि जरूर डायग्राम असली में डायग्राम, एंड इफ आई वांट टू वर्क आउट G, that is VG. So I can say, let's say you want to work out A, B, you want to work out B or DA. This is how you can say it. That's it. It's a concept that says, अगर VG लिखने का क्या लिखोगे? होगी VDC F DT, यानी जो V है वो जो T कम हो जाएगा, ये T क्या होगा, ये DT के देने से आएगा,
और ये वाला काम डीटी के तरीके से। जैसे यहां पे आपने एस लिखा है तो यहां पे क्या आना चाहिए काम डीपी और डीएस के नंबर। यू लिखा है कितना आना चाहिए डीएस और डीडी के नंबर, और ए लिखा आना चाहिए डीबी और डीडी के नंबर। तो आई गिव वन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई कैन राइट डीए इज इक्वल टू सी डीबी एस डीबी। जब जब एरो आपकी तरफ होंगे आप हमेशा माइनस साइन लिखेंगे, तो ए की तरह से दोनों एरो तो दोनों टर्म्स नेगेटिव साइन के साथ होंगे। पहला टर्म क्या होगा सी डीबी, सी से यू की तरफ आ रहा है तो सी डीबी, यानी जो डी ए उसके साथ डिफरेंशियल नहीं यूज करेंगे और जो पास यहाँ पे डीबी यूज करो एम डोन यू राइट एस डीबी। तो दिस इज एस डी और देखते हो सर टर्म जा रहे तो डीबी कितना होगा, डीबी कितना होगा डीबी कहां से वी डीबी, वी डीबी में विथ प्लस साइन, विथ प्लस साइन वी डी आप अवे जा रहे हो क्योंकि डीजी यहां पर लिखा है अवे जा रहा है, तो वी डीबी प्लस साइन ऐसे क्या कितना होगा एस डीबी आ गया। और इसी तरीके से डीएस क्या होगा बोलो सी डी एस प्लस वी डीबी, सी डी एस प्लस सी डी एस प्लस वी डी। And like that, what is du? Du is equal to cds minus cdb. Is that clear? No doubt in the world. ये चार relations बहुत important relations हैं और ये आगे बहुत ज्यादा use होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा पूछते भी आपसे। जैसे अगर मैं आपको वेटर करो du एस सी डी चले जाए चलेगा डब्ल्यू अपॉन डल एस एट कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ सी and del v upon del v is constant, entropy is how much? Del v upon del s is constant, minus c. क्या कह रहा अब ये तो रिलेशन मुझे करा सके ना और g equals h minus c s, h equals u plus t v। Now these are thermodynamic equations, please know these equations, g equals h minus c s, h equals u plus t v। Now where is g equals h minus cs? Do you want to take dg? So what is dg? dg is ds minus tds minus sdg. Again, dg is ds minus tds minus sdg. Now do one thing. Check that this is correct. It's an evolution easy answer, sir. Yes, the relation will have to check answer, sir. dg to sign. vdt minus sdg. Look the answer there. vdt minus sdg. So g equals to ds माइनस सी डी एस माइनस एस डी डी कैंसिल हो गया तो डी एस कितना हो गया चेक कर दीजिए मगर जी प्लस एफ माइनस सी एस बाई यू रिलेशन बिटवीन दिस थिंग आई कैन कन्वर्स एंड रिक्वायर्ड इक्वेशन कैन बी वर्क आउट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो वेरी रिलेशन बिटवीन डी सी and dx, the relation is also proved with this relation. H is equal to u plus tv, so what is dx? dx equals du plus df tv. Now df tv can be written as, this is, plus tdv plus vdv, दो ही आएंगे, आप दो को आसान थोड़ा मान सकते हैं आप, अभी तो जान लिया है, df tv है, तो ये तो स्टेट वेरिएबल है ना, यहाँ पे क्या बोलेंगे, df c for d constant and dv for t constant. That means dx is equal to, अगर dx du plus vdv plus tdv है तो why does duty term होगा ना बिकम केवल काम टू टू फॉर आई टू टर्मल टू बिकम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट इसका रिलेशन क्लियर होने से देन वेलकम टू अदर एडिट क्लासेस आई कम यू दिस आर्डर ऑफ वीडियो रैंडम में कोई भी क्वेश्चन जितना ज्यादा रैंडम होगा जितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड होगा उतना ही ज्यादा अच्छी अंतर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसीडर गैस लिक्विड एंड सॉलिड विच इज एट हाइएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी गैस इट इज डेल्टा जो हाइएस्ट है एंड फॉर सॉलिड इट इज मिनिमम। इफ यू कंसीडर द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग मीन सॉलिड बिकमिंग लिक्विड कैन से डेल्टा सिंपली इस प्रोसेस इज लिक्विड गोइंग टू सॉलिड एंड फ्रीजिंग डेल्टा डिक्रीजेस the process is liquid going to vapor that is vaporization delta s increases the process is vapor going to liquid that is condensation delta s decreases
The surface sublimation, solid in the gas, delta increases. The surface is polymerization, one molecule combining, like one molecule combining to become one molecule. This is delta decreasing. Polymerization is very sorry molecule, eight molecule may convert over. So your answer remember for a general equation is delta n. This is delta n because this is Kp equals Kp IT over delta n. You have a delta. So delta is here, sigma nt minus sigma nr. Product coefficient minus reaction coefficient. If this delta n is positive, you can generally take an assumption that there is not number of molecules better on it. Product data one day, reaction comes up. So case make a delta s. And if it is other way, delta n is less than 0, delta s can be assumed to be smaller. So can I say polymerization the delta s can overcome? N molecules take me under there. So delta n gets more 1 minus n, so you get to be 0. So case number 1 minus n means it is less than 0. So in that case, delta s will be decreasing. So in general, you remember if number of particles are increasing, delta s is more. If you random is varying, this is the particles which are in the like motion over or so motion you have to get over. Random is zero. So delta s is this. So what is delta s actually? Delta s is written as delta C for reversible process upon C. Ds equal to dQ reversible upon T. Now understand this. Ds equal to dQ reversible upon T, but Ds is not equal to dQ irreversible upon T. So definition is the basis. Reversible process ke case mein, T change over in calculation se divide karte, so yahan pe Ds nikal sakte. Now Ds is equal to dQ upon T. Can you prove this result? So Ds equal to dQ upon T? Yes? Ds equals dQ upon T? इसको प्रूफ करने के लिए कार्नोट साइकिल लेते हैं. कार्नोट साइकिल को कार्नोट साइकिल बताएगी सभी कहते हैं. कार्नोट साइकिल में दो आइसोथर्मल लाइन्स होती है और दो एडियाबेटिक लाइन्स होती है. एडियाबेटिक जिनका फ्लो ज्यादा है. दिस कार्नोट साइकिल विच इंटर इन दू फोर साइकिल एंड देन विच इंटर इन दू इंटर साइकिल. तो फिर प्रोसेस में लगा था शेड्यूल लूज कंज्यूम कर रहे हैं आप. इसे प्रूफ कर देंगे हर एक यूज के लिए ये पैटर्न वैलिड है और इंटीग्रेट करके पूरे के लिए वैलिड होता है. डेरिवेशन आपके कोई चांसेस नहीं आएगा. तो डीएस इक्वल डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होगा बेटा, इससे काम चलेगा आपको. एंड डेल्टा से समझ डेल्टा की रिवर्सिबल अपॉन टी. नाउ फॉर अ गिवन क्वेश्चन इफ यू लर्न आपने भी निकाला था रिवर्सिबल केस आइसोथर्मल केस. आइसोथर्मल केस व्हाट इज डब्ल्यू रिकॉल करो माइनस एनआरटी एलएन Vt upon V1 or log Vt upon V1 is 2.303 multiplication. So I'll prefer to use ln. Now W is minus nRT ln Vt upon V1. Can I say W is this? And as we know, dQ is equal to, or rather this way, dU is equal to dQ plus W. Okay. Yahan pe abhi iske correct nahi hoga. dQ plus dU plus dW. Yahan pe correct nahi hoga. Use karega bichcha. dU equals dQ plus dW because sign dimension ka change hai. साइन कन्वेंशन डी क्यू पॉजिटिव है इस केस में फर्क है वर्ल्ड वाले केस के लिए. तो हमेशा रिलेशन चेंज हो रहा है और डी डब्ल्यू के केस में वैलिड लिख सकते हैं आप. और अगर आपको वो लिखना है डी क्यू प्लस डी प्लस डी डब्ल्यू तो याद रखो डी डब्ल्यू क्या होगा माइनस पी डी. तो वी आ गएगा. तो इन दिस केस क्या से डी यू टेक्निकली दो बिकॉज अगर सौ डी से डॉक्टर कर लो टेम्परेचर फंक्शन तो डी को जीरो हो गया. तो डी क्यू किस चीज का लोगे आ गया और माइनस डी डब्ल्यू किसके लिए रखो पता है माइनस सी बेसिकली क्यू इक्वल टू अब आ गया माइनस डब्ल्यू था बच माइनस इधर लगा भी देखते होगा एन आर टी एल एन डी क्यू अपॉन वी वन इज डी क्यू और आर एस क्यू डेल्टा क्या होता है डी क्यू अपॉन टी तो सिंपली दिस अपॉन टी लेते हैं एन आर एल एन डी क्यू अपॉन वी वन एंड दिस इज entropy change for isothermal reversible process. ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. प्लीज नोट दिस क्वेश्चन. व्हेन इज चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस दिस इज एनआर और वी टू वन. एग्जाम में क्वेश्चन इतना आसान नहीं होगा. फॉर्मूला लगा पा रहे हैं समझ में आएगा. तो आप क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा क्वेश्चन नाम लाइक दिस और गैस तो नाम दीजिए गैस का टू मोल्स आर हीटेड
from 400 Kelvin to 900 Kelvin, find out entropy change, is a similar thing, standard entropy change. What is it? Temperature of the 2 times R times ln 900 upon? Perfect. So, temperature to depend, sorry, V2 can be one. V2 can be one. So, temperature, I just have my condition in. Then we done. Let's say 4 liter to 9 liter. So, answer you have a 9 upon 4. Temperature to constant, right? Isothermal. Can you repeat it? Yeah, when you take action, you take pressure reduction. So, pressure reduction, can you repeat it? Pressure reduction, your volume there, pressure reduction, pressure reduction, and keep. 2 atmosphere to 1 atmosphere pressure होगा, तभी निकाल सकते हैं. Pressure reduction 2 upon 1. पहले calculation. So, entropy change निकालना आना चाहिए. Now, I'll give you one table, जिससे general questions are reversible. Q will be equal to minus W. And what is this value? This is NRT ln V2 upon V1. Minus W लिखा हुआ ना. So, minus R से लिखने की जरूरत नहीं है. NRT ln V2 upon V1. I have asked you. Compression equation क्या हो गया formula? माइनस आ जाएगा या सब मतलब तो एनआरटी एल एन वी वन अपॉन वी टू और साइक्लिक इसमें क्या होगा जीरो एनआरटी एल एन वी टू अपॉन वी वन और फिर वी वन से वी टू कितना लगेगा दोनों का सॉल्यूशन कितना होगा क्योंकि आठ बीस को तुम एल एन वी टू अपॉन वी वन इंटू एल एन वी वन अपॉन वी टू तो एल एन वी टू अपॉन वी वन इंटू वी वन अपॉन वी टू तो वन एल एन वन जीरो आंसर तो जीरो रिवर्सिबल में क्यों माइनस करते निकालिए कई बार प्रश्न आता है रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा वी और डेल्टा एक्स कितना है अगर ये एक्सपेंशन दीजिए तो आंसर क्या लिखेंगे और अगर कंप्रेशन है कंप्लीट जीरो और साइक्लिक है तो प्लीज रिमेंबर दैट डेल्टा यू जीरो वो तो समझ में आता है कंप्लीट कांस्टेंट है बट डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो फॉर दिस केस डेल्टा एक्स एंड डेल्टा यू दो इक्वल टू जीरो ठीक है ये समझ आया तो नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस विच इज फ्री फ्री एक्सपेंशन फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है फ्री प्रोसेस है तो इन दैट केस इफ इट इज रिवर्स लाइक फ्री प्रोसेस क्यू माइनस डब्ल्यू केस ऑफ एक्सपेंशन विल बी जीरो सो एक्सपेंशन इज फ्री इन दिस केस व्हाट इज डेल्टा यू एंड डेल्टा एच सो अगेन योर आंसर विल बी जीरो जीरो एंड जीरो और यहां पर आंसर क्या होंगे Yes. जहां पे तीन जो भी एक्सटर्नल फोर्स है या अपोजिंग फोर्स है इनटू डेल्टा भी तो रीजन क्या है बट सडनली दिस रिजल्ट विल बी लेस देन एनआरटी एल एन वी वन अपॉन वी टू दैट रिजल्ट विल बी लेस देन एनआरटी एल एन वी वन अपॉन वी टू दूसरी बात समझ में आती है एक्सटेंशन अलग है कंप्रेशन अलग है यानी कि यहां पे सेम काट ऑफ केस नहीं कर रहे ठीक है और यहां पर नेट रिजल्ट क्या होगा जीरो प्लस दिस वट एवर सर दिस इज द नेट रिजल्ट एक्चुअली यही क्या हो जाएगा पी एस एन के डेटा बिल्कुल नेट रिजल्ट ये पी एस एन डेटा भी सबसे कम है एनआरटी एन जीवन का मीटिंग से ये क्यों कम है इसका रीजन आपको पता है क्या रीजन लिखोगे इसको मैक्सिमम है जो आपने अभी एक एक टाइम पार्टिकल हटाते हुए किया था वो मैक्सिमम वर्जन है जो आपको मिल सकता हूं उससे ज्यादा कुछ नहीं है रिवर्सिबल प्रोसेस विल ऑलवेज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दैट केस और मैक्सिमम उससे कम ही हमें कार्य वाली रिवर्सिबली द नेक्स्ट प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस ये फ्री था कि एक्सपेंशन जीरो होता है ये ध्यान रखा कि एक्सपेंशन में कोई प्रेशर भी वाली है तो जीरो होगा देन थर्ड इज इरिवर्सिबल प्रोसेस देन व्हिच इज रिवर्सिबल काउंटर रिवर्सिबल साइड वाली आइसोथर्मल आइसोथर्मल इरिवर्सिबल Q and minus W. This will be, this time, it will be P times delta V. But this P times delta V will lie within these two values. NRT ln V2 upon V1 to 0. In case you can give me a picture. Depends on the case you have, if you have set up a picture, change that. Yahan pe kya hoga value? Yahan pe kya P into delta V? P external into delta V? और यहां पे इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस इन डेल्टा यू एंड डेल्टा एच ओके सर दोनों कंप्लीट होती है समझ में आ रहे हैं
तो एग्जाम में हमें किन क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, कई बड़े क्वेश्चन आते हैं, ये सब पता होना चाहिए। वैल्यू जीरो आइसोथर्मल का प्रोसेस इफ आई कंपेयर बोथ ऑन वन पीवी डायग्राम आई से लिक्विड आइसोथर्मल विद साइड एंड अटैक लिक्विड एडियाबेटिक। अगर ये तो क्वेश्चन आ गए देखिए वैसे समय वैसे ज्यादा बैठे मनी कैसे पहले ही बता चेंज कैसे ऐसे समय उतर जाना नीचे लड़े बैठे रॉन्ग यही से प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली इन दिस केस ऐसे समय मिला लेस जो और यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट से नीचे आ रहे अभी यहाँ पे रिवर्स हो चुका है, ये आईसी थर्मल है और ये इधर हो गया। अगर पूरी सिचुएशन को एक साथ देखना है एक ग्राफ में तो इस तरह से देखना है तो दिस ग्राफ ऑफ ब्लू कलर इज एडियाबेटिक एंड ग्रीन कलर इज आइसोथर्मल। बट अंडरस्टैंड अगर ये जिनके प्रोफेशनल पॉइंट इनके आगे भी जाते हैं तो कौन सा ग्राफ ऊपर होगा आइसोथर्मल ये कंडीशन अच्छे पहले से रहिए तो कौन सा ग्राफ ऊपर है एडियाबेटिक ये कंडीशन आइसोथर्मल नीचे समझ आगे तो प्लीज जो भी चीज है कई बार क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं इसको समझे हुए थे ये उत्तर करता पहले इतना बताएंगे तो डिफरेंट टीवी ग्राफ और कॉन्स्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टीवी इज अ कॉन्स्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इफ टीवी इज अ कॉन्स्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस यू कैन राइट टीवीडी प्लस डीडीटी इज अमर जीरो सो कैन यू वर्क आउट वर्क आउट डीटी अपॉन डीवी कितना है माइनस सी बाई माइनस सी अपॉन डी आई बोल सकते डी सी अपॉन डी डी माइनस सी अपॉन सी सौ डी सी अपॉन डी डी माइनस सी अपॉन दैट मीन स्लोप इज नेगेटिव दैट इज डी पी अपॉन डी डी इट कैन डी वाई अपॉन डी एक्स ड्राइवर से ड्राफ्ट डी वाई अपॉन डी एक्स सी और डी ड्राफ्ट डी पी अपॉन डी डी क्यों होना चाहिए एक ही बात हो रही तो इस स्लोप दैट इज डेफिनेटली स्लोप ऑफ टीवी ग्राफ स्लोप ऑफ टीवी ग्राफ है माइनस सी अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी माइनस सी जैसे निकल करता है नेगेटिव तो स्लोप कैसा होगा ऐसा स्लोप होगा ना इंक्रीजिंग स्लोप है तो डिक्रीजिंग स्लोप आई रेंज शुरुआत में स्लोप ज्यादा लाइक हायर स्टेप से काफी अलग से जीरो की तरफ बढ़े और नेगेटिव स्लोप है यानी नेचर ऑफ ग्राफ ऐसा तो ये समझ में आए। सेकेंड थिंग एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है इन एडियाबेटिक प्रोसेस वी हैव अ रिलेशन टीवी रेट को पहले जाना है या पहुंचना टीवी रेट से पहले जाना है तो कॉन्स्टेंट इस टीवी रेट से पहले जाना है तो कॉन्स्टेंट कैसे इन दिस केस इफ यू वर्क आउट तो कैसे वर्कआउट करोगे डीपी टाइम्स वी रेट से पहले गामा प्लस टी टाइम गामा वी गामा माइनस वन टाइम्स डीवी इज इक्वल टू जीरो डिफरेंशिएट करें पहले फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म या सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी इज डीवी इंटू वी रेसिपल गामा डिफरेंशिएशन ऑफ वी रेसिपल गामा इज गामा वी रेसिपल गामा माइनस वन डीवी एंड देन यू हैव टी सो व्हाट डू यू गेट एट डीपी डिवाइडेड बाय डीवी फॉर दिस केस इट विल वर्क आउट डीपी डिवाइडेड बाई डी वी फॉर दिस केस विल कम आउट टू बी समझ माइनस सी गामा वी गामा माइनस वन अपॉन वी गामा एंड इट वर्क आउट दिस इज एक्चुअली वी गामा माइनस वन कैंसिल वन वी गामा माइनस वन यू हैव सी गामा अपॉन वी एंड इफ यू कंपेयर विद द लास्ट रिजल्ट
it is minus P upon V times gamma. यानी पिछले रिजल्ट में हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं गामा, तो क्या हो गया आपका क्या डाउट चलिए समझ आ गए। तो इसकी बात क्यों होती है क्योंकि गामा की वैल्यू हमेशा क्या रही है 1 प्लस टू बाय एफ, यानी कैन सी दैट 1 प्लस टू बाय एफ इज गामा, दैट्स व्हाई दिस इज ऑलवेज कि टू बाय एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैनॉट बी नेगेटिव, सो एफ इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर एंड टू बाय एफ इज बिकम अ पॉजिटिव नंबर, सो 1 प्लस टू बाय एफ विल बी ऑलवेज मोर देन 1, तो क्या इसे गामा इज ऑलवेज मोर देन 1, गामा 1 से छोटा तो नहीं सकते। और अगर गामा हमेशा 1 से बड़ा है तो यहाँ पे आपने किसका मल्टीप्लाई किया है किसी बड़े नंबर का, तो 1 से बड़ा है तो स्लोप क्या होगा ज्यादा होगा कम ज्यादा, दैट्स व्हाई इन ऑल द केसेस एडिटिव इज लाइक दिस देन आइसोथर्मल इज लाइक दिस। स्लोप किसका होता है, स्लोप का मतलब होता है पी वी रेशियो और गामा इज अ कांस्टेंट, तो क्या ऐसे P can be replaced by RT upon V. If you replace P by RT upon V, this will become RT upon V into V is equal to gamma is a constant. So this will become R, the R itself is a constant. R itself is a constant, so I can say this is a constant. And this will become P, V is equal to gamma minus 1 is a constant. In aerobatic process, when temperature is 300, volume is 2 liters. When temperature is 600, what is volume? पहले यूज करके निकाल सकते क्या करना है यहाँ पे T1 V1 रेस पावर गामा माइनस वन एस टी टू वी टू रेस पावर गामा वन रिमेंबर एटॉमिक कूलिंग शुड बी नोन पहले गिवन गैस इट इज नोन एटॉमिक गैस होगा तो क्या होगा अगर वही जब गामा नहीं निकालेंगे गामा नहीं निकालेंगे तो क्वेश्चन होगा कि नहीं पहले का क्वेश्चन इससे रिलेशन हो गया टी वी रेस पावर गामा का फंक्शन, दूसरा रिलेशन हो गया टी वी रेस पावर गामा का वैल्यू का फंक्शन, तीसरा रिलेशन क्या होता है प्रेशर में कंडीशन मैगलेशन ये भी अगर पूछते हैं तो हम प्रेशर में कंडीशन सो इट नो पी वी एस पर गामा का कांस्टेंट लेकिन कुछ वी को आरटी में पॉइंट की तो वी के लिए तो आरटी पॉइंट की रख दो ये पूरा कांस्टेंट हो गया ये पी हो गया 1 माइनस गामा एंड दिस इज पी एस पर गामा कैसे रहेगा कांस्टेंट आगे तो तीन रिलेशन आपको आने चाहिए टी रेस पर गामा टी रेस पर 1 माइनस गामा इज अ कांस्टेंट रिमेंबर दिस रिलेशन कई बार उसके बेस क्वेश्चन आ चुके हैं जब लोग याद कैसे करते हैं यू और यू और तीसरे क्वेश्चन किसका एक्सपर्ट यू हमारे गलत बोल रहे टेम्परेचर में कैसे रिलेशन क्लियर नहीं है अगर इट बोलते हैं ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेस इफ इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस तो एज यू नो बी डब्ल्यू कैन बी रिटन एज माइनस टी डी एंड टी इन दिस केस इज कांस्टेंट अपॉन जीरो से पर गामा टी वी एस पर गामा का कांस्टेंट कहीं से टी एस कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय वी रेस पर गामा बोल सकते हैं सर इसके बेसिस के वहां से डी डब्ल्यू वर्ग कर लो क्या होगा यस और दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है टी की डिग्री आया था आर टी अकाउंट जी रख सकते हैं इसका कहीं से टी इज आर टी अकाउंट बी नहीं तो प्रॉब्लम आएगी आर टी अकाउंट बी का वैलिड होता है टी वी बोले आर टी यहां पर नहीं बोले पड़ेंगे इसकी वजह हम यूज करेंगे क्योंकि टी इंटू डेल्टा वी से और टी डी वी से तो वर्कर करके जरा डेल्टा निकाले एच कैन बी रिटन एज यू प्लस टी और रिटन से ई प्लस टी आप यू लिखते हैं ई लिखते हैं ठीक है एक समय आई टी भी आता है तो वो एक डेल्टा एच अगर मैं ई लिखता हूं तो वो एक डेल्टा एच तरह से डेल्टा एच इज डेल्टा ई प्लस डेल्टा टी वी डेल्टा टी भी ओपन करेगा तो क्या बनता है टी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा टी सर टी डी वी प्लस डी डी टी सेकेंड जो कॉन्स्टेंट प्रेशर थी दिस समय बिकम जीरो बिकॉज डेल्टा टी इज नॉट चेंजिंग कॉन्स्टेंट प्रेशर का तो क्या होगा डेल्टा टी कोई चेंज नहीं कर रहे तो वैल्यू जीरो होगी तब कॉन्स्टेंट प्रेशर थी अगर ये जीरो है तो डेल्टा एक्स कितना हो गया कॉन्स्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एक्स हो गया डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा टी ठीक है अगर इनके कॉन्स्टेंट वैल्यू में कंडीशन लगेगी तो क्या होगा तो डेल्टा एच एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड क्यूपी क्यूपी एज डेल्टा ई प्लस टी डेल्टा बराबर क्यूपी एज डेल्टा ई प्लस टी डेल्टा में एंड इफ इट इज कॉन्स्टेंट वैल्यू में तो डेल्टा को जीरो जिस पर एंड डेल्टा फुल डिवाइड बाय क्यू डी इट इज डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा
ठीक है, ऐसे पता कर सकते हैं थोड़ी कम जाती डेल्टा एफ एस डिग्री ऑफ रैंडमनेस है डिसऑर्डरनेस दोनों में वन रिलेशन का डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एच इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है नेचुरल इट्स लाइक फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज नेचुरल अगर एक ग्लास वाटर में आता है ऐसे गिरा दो तो ऊपर नहीं रहेगा नीचे गिरेगा नेचुरल प्रोसेस अंडर ग्राइडिंग से आ रहा लेकिन आप क्या ऐसा जरूरी कि वाटर नीचे होते तो नीचे ही गिरते नहीं एग्जाम्पल वाटर को ऊपर से नीचे देते हैं प्रोसेस करवा डेल्टा जी इज नेगेटिव स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन वाज डेल्टा जी ये कहां से आ गया डेल्टा जी इज इंक्लूडेड एज इट कॉल्ड गिव्स टू एनर्जी और इंक्लूडेड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम गिव्स टू एनर्जी प्रैक्टिकल पर्पसेस इंक्लूडेड एज पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम तो लेसर एनर्जी मोर स्टेबिलिटी दैट यू नो डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन एग्जाम्पल स्पॉन्टेनियस से आंसर से एक चीज हो सकता है डेल्टा जी से ना डेल्टा एफ के आंसर हो सकता है ना डेल्टा एफ से हाँ अगर दोनों भी नहीं हो सकते तो डेल्टा जी देखिए और डेल्टा जी निकाल के बताएंगे ठीक है नंबर ऑफ मीनिंग ऑफ डेल्टा एफ नेगेटिव एंड डेल्टा एफ पॉजिटिव दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन योर हीट इज कमिंग आउट हीट इज रिवर्ल एंड दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन योर यूर गिविंग और सप्लाइंग हीट योर योर डेल्टा एफ Then there is case of delta S. Delta S negative means, you know, randomness decreases. कब होगा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया ऐसे केसेस में रैंडमनेस कम होगा गैस पर ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स से पहुंच गए काफी सारे पार्टिकल्स हैं कम से कम पॉलीमराइजेशन बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर पॉलीमराइज होकर एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए डाइमर फॉर्मेशन प्राइमर बनना टेट्रामर बनना तो दिस इज पॉलीमराइजेशन फॉर्मेशन इन दैट केस डेल्टा विल बी नेगेटिव एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग एंट्रोपी इज पॉजिटिव इफ इट इज अदरवाइज दैट इज रैंडमनेस इन दी यूज इट सॉलिड गोइंग टू लिक्विड गोइंग टू गैस और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजिंग दैट विल मेक इट डेल्टा एंड लेस देन जीरो डेल्टा एंड मोर देन जीरो अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जहां पे डेल्टा एंड माइनस थ्री था तो मैं बोल सकता हूँ कि यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे उसके से क्या होना चाहिए एंट्रोपी कम हो रही अच्छा गैस मॉलिक्यूल कम हो रहे ज्यादा हो रहे कम हो रहे गैस मॉलिक्यूल तो मतलब ये थे पहले मुझे तो मतलब नहीं कहता गैस मॉलिक्यूल कम होने का मतलब क्या हो रहा है एंट्रोपी कम होना गैस मॉलिक्यूल घटने का मतलब क्या है एंट्रोपी घटना वैल्यू घटने का मतलब प्रेशर करने का मतलब क्या होगा एंट्रोपी बढ़ना प्रेशर ऑफ मूव दे विल मूव फास्टर टेम्परेचर ऑफ मूव दे विल मूव फास्टर वॉल्यूम बढ़ने का मतलब एंट्रोपी कम होना वॉल्यूम अपने काम कर दिया अब डायरेक्ट स्पेस आता है स्पेस तो एंट्रोपी रैंडमनेस कम हो जाएगी तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर यही रिलेशन आने चाहिए बेस्ड ऑन दिस इनपुट केस नंबर वन व्हेन डेल्टा इज पॉजिटिव एंड डेल्टा इज ऑल्सो पॉजिटिव देन नेगेटिव this is positive, this is negative, this is negative, this is positive, both are negative. Positive plus plus, plus minus minus plus, minus minus. That is running. Again, when we positive hai, to formula apply karo. Delta G is equal to delta S minus C delta S. So for this formula, delta G equals delta S minus C delta S. If both are positive, then say, plus minus T times plus. Can be plus, can be minus, depending on T. If T is a bigger value, it's very high value, negative part bad jayega, T छोटी value hai to negative part kam ho jayega. Negative part kam ho jayega, aisa ho sakta hai ki delta kya bhi nikal jaye, T delta se. So can I say, in this case you have two options, in this case you have two substitutes. Case number one, delta S modulo is more than T delta S modulo,
And case number two, delta's modulus is less than 3 delta's modulus. If delta's modulus is more than 3 delta's modulus, delta will be over. Positive. And if it is less than, then it's the negative. You understand, right? यानी इस केस के लिए जहां पे डेल्टा डेल्टा दोनों पॉजिटिव उस केस के लिए दो सकते हैं चलो तो दो सकते हैं डेल्टा इज मोर देन थ्री डेल्टा और डेल्टा इज लेस देन थ्री डेल्टा तो डेल्टा इज मोर देन थ्री डेल्टा से पॉजिटिव वैल्यू है ये वैल्यू भी क्या है ये पॉजिटिव है लेकिन इसको सही होती है इसका मॉडुलस बड़ा है मॉडुलस ऑफ दिस इज बिगर देन मॉडुलस ऑफ थ्री डेल्टा इट्स लाइक 4 - 2 4 - 2 इज 2 बट 4 - 6 इज -2 आई अंडरस्टैंड दिस सो वो 2a6 का सेट बन जाएगा 2a6 का सेट बन जाने वाला है या आपका साइन क्या होने वाला है जी और देखो क्यों इफ दिस इज नेगेटिव देन आई कॉल इट स्पॉन्टेनियस अभी बराबर और पॉजिटिव है तो क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियसिटी नेचुरल तो समझो व्यक्ति दिस वन पॉजिटिव अगर नेगेटिव इफ दिस इज पॉजिटिव एंड अगर वन इज प्लस माइनस 3 times - माइनस और माइनस इज ऑलवेज प्लस बेसिकली दो प्लस दोनों प्लस है तो कुछ समझने की जरूरत नहीं है हमेशा आंसर क्या होगा प्लस प्लस माइनस माइनस ऑफ माइनस ऑफ प्लस और अगर प्लस है तो रिलेशन क्या होगा नॉन थर्ड केस माइनस एंड प्लस तो थर्ड केस माइनस माइनस ऑफ प्लस इज ऑलवेज माइनस तो फिर ये समझने की जरूरत नहीं हमेशा क्या होगा और लास्ट केस में फिर से दो केस बनेंगे जैसे पहले केस में बने थे और एक केस में जो आंसर होगा पहले केस का एग्जैक्टली रिवर्स होगा कर लोगे डेल्टा इज मोर देन थ्री डेल्टा तो नेगेटिव होगा और डेल्टा इज लेस देन थ्री डेल्टा आई विल सॉल्व पूरा समझ आ गया तो इस क्वेश्चन में फ्रॉम बुक ऑफ द फॉलोइंग केस reaction is always spontaneous. What is the answer? Always the spontaneous. Without any condition. S negative, S positive. In this case, reaction is never possible. It's not a spontaneous. S positive, S negative. Baki dana cases mein, dodo case bana. How is that? Entropy can be written, delta can be written, delta S of system plus delta S of surrounding. Okay. To understand this with a practical example, consider a room in which a student goes to room, throws his books, shoes, okay, and throws himself somewhere inside the room. So, in that case, the student is not attention and needs to be arranged for him. Aram se jo mardi hai jahan bheta usne aur room ki halat kharab hai. Yani, agar main to bolu ki ye room iske liye एक तो सिस्टम बोल दिया तो सवाले बोल दो सेल्फ आपकी पूरी चीज यूनिवर्सल तो नहीं फिर जो पर्सन सिस्टम है तो रूम का और रूम सिस्टम है तो पर्सन रहेंगे बैंगलोर में पर्टिकुलर सिस्टम बोल दिया तो पर्सन की अंदर भी क्या होगी काम जैसे तो टेंशन है उसकी डायनामिक क्या है उसकी खुद की डायनामिक क्या होता है उसकी पर्सन नहीं कहा से दो बार दिया ना फिर दिया तो वो आराम से पूरी स्थिति कहीं देख सकते तो दैट इज एंट्रोपी ऑफ द पर्सन लेस बट देयर वाज एंट्रोपी ऑफ रूम This is completely decided. Sit this on you, brother. Now, back on the shoes, you can ask me, and back on the shoes, you can ask me, and back on the shoes, you can ask me, and back on the shoes, you can ask me, and back on the shoes, you can ask me, and back on the shoes, you can ask me, and back on the shoes, you can ask me, and back on the shoes, you can ask me, one increases on the part of other. Delta system increases, delta surrounding will decrease. On the other hand, consider a student who goes back to home, put everything in place. Properly, सबको सेव करता है फिर इधर फिर चुपचाप बैठ जाता है तो इसके लिए क्या होता है उसे टेंशन लेने की कहां पर कहीं चीज रखनी है मतलब बुक को यहीं पर रखना है शूज को उठाकर प्रॉपरली यहां पर रखना है ये डरने का है उसकी खुद की अंदर बढ़ जाएगी लेकिन रूम बहुत ही डिसाइडेड नहीं होगा रूम ऑर्डर होगा तो रूम के अंदर आप ही कम होगा तो यह खास है So, this is very good example which you can relate also. Delta system increases delta surrounding should decrease. And this is a fact of reversible process.
And that's why delta S of reversible will be used there. That means delta S for reversible processes, delta S system plus delta S surrounding. So you can say, other system की entropy बढ़ा होगी तो surrounding की entropy कम होगी, और surrounding के अंदर को बढ़ा होगी तो system की entropy कम होगी. Reversible process के लिए. लेकिन अगर यही बात irreversible process में देखी जाती है, तो delta S for reversible is more than zero. That means it is delta S system plus delta S surrounding more than zero. Okay? So irreversible process के लिए एंट्रोपी क्या है? More than zero. और एक और टर्म आप नोट कर लीजिए, all natural processes are irreversible. जैसे एग्जाम्पल में देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी केमिस्ट्री का डाउट के जाने से, फॉर एग्जाम्पल जो वाटर अभी से क्लाउड बनता है और क्लाउड से रेन आती है, तो अभी थोड़ी बोल सकते हो कि जो वाटर जा रहा है जिस फॉर्मेट में जा रहा है वो वहीं पे आके बारिश करेगा. There is a part of cycle. What is cyclic process? But we are telling reversible process. Different time now. So water cycle is not water reverse. After the water cycle, because it is cyclic process. But ये reversible नहीं होता. अगर ये जहाँ से water जा रहा है, मान लो यहाँ से water ले जा रहा है, उसी building के ऊपर गिरना चाहिए. और जो double वाली building के जा रहा है, उसके ऊपर गिरना चाहिए. ऐसा नहीं होता. कहीं कभी भी नहीं पहुँचे. So reverse cycle. This is not reversible. दोनों में क्या अंतर है? Reversible process, step by step, phase by phase, it may be exactly same. But the cyclic process, the overall volume of water is same. जो यहाँ पे है वो घूम के वापस आ रहा है, cycle complete हो रही है. But you cannot say same way. So all natural processes are irreversible. I hope you understand this. कोई भी natural process आ रही है जैसे हमेशा irreversible होगा. Okay? जैसे अर्थक्वेक आया, अब अर्थक्वेक आने के बाद कोई ऐसी चीज होती है जो अर्थक्वेक को वापस से सब कुछ कन्वर्ट करके वैसे ही काट कर ले, वैसे वैसे हो रहे हैं. सुनामी गया, सुनामी वापस से, जैसे सुनामी गया वैसे सुनामी गया, ऐसा पता क्या है? सुनामी गया, सुनामी गया, गया वाला कोई ऑप्शन नहीं होता, जो आया बताया. सो ऑल नेचुरल वैसे है रिवर्सिबल. तो रिमेंबर दिस, नेचुरल इन दिस केस यू कैन सी डेल्टा इज ऑफ यूनिवर्स, इट इज डेल्टा का सिस्टम का सराउंडिंग, इट्स कॉल्ड डेल्टा ऑफ यूनिवर्स. Can I say this is more than zero for reversible process and it is equal to zero for reversible process? And nature में सारे process reversible हैं, इसलिए nature की entropy हमेशा बढ़ रही है universe की, यानी कि universe की entropy के लिए term बोलते हैं entropy of universe is ever increasing. This is one of the statement, very important statement. Entropy of universe is ever increasing. It is increasing forever. And this statement is taken number yes, A. With this correct statement, entropy of universe increases and tends towards the maximum value. Yes. So question is, which is correct statement? The first statement to have a first correct is second, all natural processes are irreversible is also correct. For reversible isolated process, change the first process 0 and D, irreversible isolated process end up becoming more than 0. Third answer, all correct. Question number 4, entropy of ice melt only, running as you will. In general, when there is solid liquid gas, if you increase pressure, gas converts into liquid. It's called condensation. If you increase pressure, liquid converts into solid. This is called freezing. Liquid solid air. Then solid going into liquid is called fusion. Liquid going into gas is called vaporization. This is a fact for any general solid liquid gas, not water. Not water. Conversion. Solidification of water then it emerges. Okay, so melting is solid to liquid, freezing is liquid to solid. Okay, solidification to then it emerges. So this is the solid solid convert karo. Wo ek drop karne solidification. Okay, the mix is solid to liquid, liquid to gas conversion or over the ice water vapor system. Now in ice water vapor system from vapor to water and for water to ice
process is different. So it is other way. Understand, if you want to convert gas to liquid, increase pressure. If you want to convert liquid to solid, increase pressure. For any general solid liquid gas. But for water case, if you want to convert water into water, increase pressure. If you want to convert water into oil, you have to decrease pressure. Now, you know what I mean? Kill the water for reason. Yeah, it's a real thing. I say water is another thing. What pressure is it? Yani, I say water is another thing. It is reverse actually. You know what I mean? Reverse actually. It's a reason. What is it? It's a reason. What is it? Density of gas is less than density of liquid. Is less than density of solid. The density of water is, you see, comparable. बट यहाँ पे उल्टा हो गया इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आती है एंड बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर ऑफ वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सॉलिड लिक्विड गैसेस एंड दिस एनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर इज बिकॉज ऑफ वन रीजन फॉर दिस एज बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से गैस काफी ज्यादा होंगे क्लोराइसेस ज्यादा होंगे क्लोराइसेस ज्यादा होंगे यानी खाली स्पेस रिटर्न स्पेस ज्यादा होगा और उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो फॉर अ गिवन मास इफ वॉल्यूम इज मोर अगेन से डेंसिटी इज लेस एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन आइस ओके तो ये बहुत क्लियर होगा कि इससे क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम में जो सर लाइन मैंने की है आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ता है और वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर कम करना पड़ता है जो कि नॉर्मल लीकेज सॉलिड लेवल के अपोजिट है ये तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में लिक्विड गैस ऐसा नहीं पूछेंगे उसी में सभी के डेल्टा जी मैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड में सभी चीज देगा वहां पे नॉट लग जाएगा वहां पर स्टैंडर्ड वाइज यूज होता है उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड में सभी चीज होगा जब प्रेशर और कमी की कंडीशन स्पेसिफाइड होंगे फिक्स होंगी एंड दैट हैज टू बी 1 एटमॉस्फेयर इन प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेंबर इट इज नॉट एसटीडी और स्टैंडर्ड एसटीडी और स्टैंडर्ड भी एसटीडी होता है लेकिन वो स्टैंडर्ड यूज के अलग अलग है यहाँ पर चैनल का क्या होता था एस टी बी वाली चैनल में चैनल का क्या होता था 273 कैलोरी जिसका मत यहाँ पे क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज रूम टेम्परेचर और 298 कैलोरी दिस इज मेजर डिफरेंस तो डोंट गेट कंफ्यूज यहाँ भी स्टैंडर्ड है यहाँ भी स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड इसका अलग है तो डेल्टा जी नॉट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिस्पी एनर्जी एंड दिस इज एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर तो आर एफ की वैल्यू का आपको पता है आर 8.314 जूल केल्विन जूल केल्विन केल्विन टी इज 298 एल एन सी क्यू इज अ टर्म विच इज कॉल्ड रिएक्शन क्वेश्चन एंड क्यू विल बिकम इक्वल टू के एक इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत नोट नहीं करें लिखो क्यू तो डेल्टा जी जीरो हो गया जीरो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एम के इक्वल हो गया तो यहां से रिलेशन आ गया डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एम के वोट इज एल एम वोट इज 2.303 लॉग तो रिलेशन विल बी माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के एट द बेस 10 रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यही रिलेशन जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करेंगे तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी रखेंगे माइनस एन एस ई नॉट और यहां से रिलेशन आता है 2.303 आर टी लॉग ऑफ के माइनस एन एस कैंसिल ई नॉट इज 2.303 आर टी अपॉन एन एस लॉग ऑफ के और अगर शुरुआत में रख दो यहां से जनरल जैसे रख दो क्या आएगा ई इक्वल ई नॉट माइनस 7.0591 अपॉन एन log of T. This is called no situation. Okay. And this is clear. Delta G log, K ka relation, is there a question for the exam na chuka? Find out region constant, mechanical equipment na aega. So this should be clear. Delta G zero means it is equilibrium. Now come to this. 1 to 2 ke gaya, 2 to 3, और 3 तो वापस 1 पे आ गया तो नेट एनर्जी चेंज है टू 0 सो कमिंग दैट चेंज इज नेट एनर्जी चेंज है टू 0 तो इट इज बेसिकली दैट डेल्टा इज बेसिकली अ पार्ट फंक्शन ऑफ स्टेट फंक्शन
स्टेट फंक्शन. तो इसलिए हम देख रहे हैं कॉल स्टेट फंक्शन. तो कहने के बाद स्टेट डॉट एन पार्ट किया जाएगा. तो कैसे डेल्टा एस हीट चेंज इन्वॉल्व फ्रॉम 1 टू 2 प्लस हीट चेंज इन्वॉल्व फ्रॉम 2 टू 3 प्लस हीट चेंज इन्वॉल्व फ्रॉम 3 टू 1 इज दिस. और अगर वो हीट चेंज इन्वॉल्व फ्रॉम 1 टू 2 प्लस हीट चेंज इन्वॉल्व फ्रॉम 2 टू 3 माइनस टाइम हीट चेंज इन्वॉल्व फ्रॉम 3 टू 1 और हीट चेंज इन्वॉल्व फ्रॉम 1 टू 3. तो 1 टू 2 टू 3 इज एज गुड एज 1 टू 3. यही बोल सकते हैं. इट्स लाइक इफ यू आर टेकिंग लेट्स से कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस फॉर्मिंग CO2 एंड देन यू आर टेकिंग CO2 विद सम अदर थिंग टू फॉर्म H2CO3 एंड सम आर फॉर्मिंग डायरेक्ट H2CO3. तो डेल्टा टू की सेम फॉर बॉडी रेशन इन दोनों के साम की इक्वल किसी भी वैल्यू में होगी उसके साम की इक्वल होगी. प्लांटिंग से मिक्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन द बिफोर दिस मिक्सेशन अंडरस्टैंड दैट दिस एक्सप्रेशन ऑफ डीएस इक्वल्स एमसीपी डीटी वेज एट लीस्ट सिंपल एक्सप्रेशन बिकॉज दो सीपी ऑफ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू थी. अगर यही सीपी टेम्परेचर का फंक्शन नहीं रहता तो आसान नहीं होगा क्वेश्चन. तो ये रखना होगा जैसे सीपी जीवन है ए प्लस डी सी प्लस सी टी स्क्वेयर. मेरे क्वेश्चन होगी एन टाइम्स ए प्लस डी टी प्लस सी टी स्क्वेयर टाइम्स डी टी एंड सीरो भी डिवेट करके डेल्टा से पॉइंट डेल्टा से माइनस डेल्टा से पॉइंट टू टू माइनस सी वन तो सी टी नहीं क्लियर. फिर क्या होना चाहिए ओके बिकम एन टाइम्स ए टी प्लस डी टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी टी स्क्वेयर बाई थ्री लिमिट सी वन टू डी टू. तो ये एक्स माइनस एक्स बनेगा या डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा से बनेगा. डेल्टा का यूज इसे करते हैं कि ये एक्चुअल वैल्यू फिर भी कंटेक्ट नहीं कर सकते. एंथैल्पी एंट्रोपी दिस इज नॉट एब्सोल्यूट दिस इज ऑलवेज रिलेटिव इसलिए डेल्टा का यूज करते हैं. सो डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा से वो भी माइनस इज लिमिट सो इट विल बी एन टाइम्स ए टी टू माइनस टी वन प्लस बी टाइम्स बी अपॉन टू टी टू स्क्वायर माइनस एंड सी अपॉन थ्री टी टू क्यू माइनस टी वन टू. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. दिस शुड बी वेरी गुड डरमिस्ट्री की बिना डरती से डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन के बराबर है. इम्पॉर्टेंट रिलेशन इज नॉट दिस रिलेशन मतलब रिटर्न है. इम्पॉर्टेंट रिलेशन इज दिस रिलेशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सो रिमेंबर एंथैल्पी इज कैन बी डिफाइंड फॉर फॉर्मेशन फॉर कंबशन देन यू कैन हैव फॉर हाइड्रोजनेशन न्यूट्रलाइजेशन. ओके ऐसा टर्म्स होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन गिवन है उसके बाद के टर्म्स में जाएंगे. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन न्यूट्रलाइजेशन हाइड्रेशन सब्लिमेशन. बट द मीनिंग ऑफ दिस टर्म एंथैल्पी मीन चेंज. फॉर्मेशन के गेट में अगर एंथैल्पी की बात करेंगे तो बेसिक एलोट्रोपिक फॉर्म से कंपाउंड के वन मोल फॉर्म कराने के लिए जो भी एनर्जी चेंज आ रहा है इन डायरेक्ट एंथैल्पी फॉर्मेशन बोलते हैं. रिमेंबर फॉर्मिंग वन मोल और सब्सटेंस फॉर्म इसी वजह नहीं बना रहे कि CO2 बना रहा है तो हम CO प्लस O2 भी CO2 बना सकते हैं. दोनों चलेगा CO2 बनाने के बाद बनाएंगे बेसिक एलोट्रोपिक फॉर्म एंड बेसिक एलोट्रोपिक फॉर्म है एलिमेंटल फॉर्म दैट मीन कार्बन सॉलिड ब्रेकल फॉर्म इज बेसिक एलिमेंट्री फॉर्म. ऑक्सीजन गैस तो ऑल डायटॉमिक गैसेज आर बेसिक एलिमेंट्री फॉर्म. ओ टू गैस एन टू गैस एस टू गैस सी एल टू गैस बी आर टू गैस एच टू गैस ऑल आर बेसिक एलिमेंट्री फॉर्म दिस कैन बी यूज इन ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म. सो एलिंग फॉर दी बेसिक एलोट्रोपिक फॉर्म हीट ऑफ फॉर्मेशन इज जीरो. ये एक रेफरेंस होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर बेसिक एलोट्रोपिक फॉर्म इज जीरो. इसका बेनिफिट मिलेगा आपको कैसे अगर CO2 यहाँ पे फॉर्म करना है तो आपको सी प्लस ओटो टू CO2 बट टेक्निकली कार्बन सॉलिड ओ टू गैस गिविंग CO2 गैस एंड वॉट इज हीट ऑफ रिएक्शन इट इज हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्शन. प्रोडक्ट साइड में हीट क्या है CO2 के फॉर्मेशन की बात हो रही है दैट मीन्स हीट ऑफ CO2
फॉर्मेशन. रिएक्शन करने क्या है, सीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन माइनस सीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 एंड एच टू बोतल जीरो. कई बोतल जीरो दो थर्ड बेसिक एरोटॉपिक फॉर्म. इसका डेफिनेशन यहां पर जाती है कि बेसिक एरोटॉपिक फॉर्म से बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों जीरो हो जाएंगे. कौन सा क्या हो गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 किसी के लिए वही का रिएक्शन है. यानी ये जो गिवन रिएक्शन है किस तरह डिफाइंड होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के लिए. तो इफ यू आर गिवन दैट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज एक्स टू माइनस एक्स, फाइंड आउट डेल्टा से डिसोसिएशन. क्या बात बनी, फाइंड आउट का निकालना शुरू कर दिया. फाइंड आउट जीरो निकालने की जरूरत थोड़ी है. ऐसा है जीरो नहीं माइनस एक्स, जीरो नहीं माइनस एक्स. क्यों माइनस एक्स होगा, ये तो माइनस बिकॉज माइनस एक्स लगेगा ना. हीट ऑफ फॉर्मेशन सी डेल्टा से हीट ऑफ रिएक्शन ही हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन. प्रोडक्ट का डिग्री जब CO2 है जिसकी वैल्यू तो कितनी है माइनस है, और रिएक्शन के अंदर दोनों की वैल्यू क्या होंगी जीरो और जीरो. कैसे बता पहले तो आपसे मिलते ऐसा क्या है, कौन सा क्या हो गया माइनस है. इसी में समझ में आती है कि फॉर्मेशन या रोटेशन के समय में क्या एलोकॉप से क्यों बनाते हैं, किसी और से भी नहीं बनाते. क्योंकि अगर ये कार्बन सॉलिड का कार्बन डायमंड से बनाऊंगा तो कार्बन डायमंड के लिए वैल्यू जीरो नहीं होगी. तो क्या पता होना चाहिए, कार्बन डायमंड के लिए डेल्टा एच पता होना चाहिए. कार्बन डायमंड का डेल्टा एच क्या होगा, कार्बन सॉलिड से कार्बन डायमंड बनाने के लिए क्या बनाएंगे, तो वो पता होना चाहिए तभी आप निकाल सकते. पूरा समझ में आ रहा है दोनों के लिए डिफरेंस है. तो बेसिक एलोकॉप फॉर्म को वन मोर फॉर्म करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड फॉर गिवन रिएक्शन ए प्लस डी जस्ट सी प्लस डी चले अवेलेबल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए एंड माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ रिएक्शन. कैरेक्ट माइनस रिएक्शन डेल्टा सी का आंसर है. अगर इक्वेशन फॉर्म ऐसे है ए प्लस डी जस्ट सी एंड डी प्लस डी जस्ट सी एंड ई प्लस सी जस्ट सी, इसके लिए एच वन है डेल्टा एच वन, इसके लिए डेल्टा एच थ्री, इसके लिए डेल्टा एच थ्री, तीनों को ऐड कर दो रिजल्ट मिल रहा है आपके टू बी टू बी कैंसिल सी कैंसिल, आपको मिल रहा है ए प्लस बी प्लस ई प्लस सी. ओके इस क्वेश्चन के आपको डेल्टा एच पूछा जाता है क्या होगा डेल्टा एच वन प्लस रीजन बी दिस इज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मास से डिपेंडेंट मास से डिपेंडेंट हो रही प्रॉपर्टी. तो जैसा डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हमेशा ऐड कर सकते हैं उनके ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे आपसे बोला गया कि मोलर वैल्यू इंटेंसिव था लाइक एक्सटेंसिव था इंटेंसिव था तो मोलर वैल्यू भी आप नहीं परफॉर्म कर सकते. इट्स लाइक टेम्परेचर, टेम्परेचर इज इंटेंसिव. अगर एक रॉड जिसका भी 10 किलोग्राम उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो जो रॉड 20 किलोग्राम के उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. ऐसा थोड़ी होता है, अगर 10 किलोग्राम की रॉड का टेम्परेचर 40 है तो उसको हाफ करोगे 5 केजी की रॉड की बात करें तो उनका टेम्परेचर कितना होगा 40, इतना चेंज है. अरे फिर तो टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते. राइट ऑन दिस नंबर इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैन नॉट मूव एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड यही रीजन है जब ईएमएफ निकालते हैं केमिस्ट्री में तो कभी भी ईएमएफ ऐड नहीं कर सकते, ईएमएफ का सी टू को सी थ्री नहीं करते. समझते हैं डेल्टा जी उनका डेल्टा जी टू प्लस डेल्टा जी थ्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कल्चर का मतलब कैन बी एच टू प्लस सल्फर प्लस ओ टू कितने होते टू ओ टू समझ जाएगा. दूसरी क्वेश्चन ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमें ये क्वेश्चन कहीं पर मिल गए तो ध्यान करो दो एच टू वाला क्या वहां पर आ सकते हैं फर्स्ट फोर सिचुएशन से फोर सिचुएशन में एच टू लिखा है लेफ्ट साइड में कैप्टन एच टू अंडरलाइन करो बाकी फर्स्ट फोर टू और फोर टू एच टू फोर टू गूगल उसको देन कम दो सल्फर सल्फर का यहां पर लिखा मिल रहा है फर्स्ट सिचुएशन में. ओके एंड फोर सिचुएशन में प्रोडक्ट हम लोग ऐसे भी दे रहे थे जिसको रिएक्टेंट चाहिए होगा ताकि एलिमिनेट हो गए यानी कि इसमें हम कॉम्प्लिकेशन ऐड करेंगे. सेकंड तुम जब एसओडी ऐड करोगे तो एसओडी करना शुरू हो जाएगा और एसओडी को हम लोग करेंगे हमें कॉम्प्लिकेशन ऐड करनी होगी. फिर अभी सब कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो एसओ को जो राइट साइड में किसी क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में ऑटोमेटिक एसओ को हम पहुंच जाएंगे यानी तुम्हारे सपना क्या है वन प्लस टू प्लस टू प्लस फोर अगर इधर हो तो वन को एसओ को फोर पे पहुंच दो. तो वही आंसर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज
-21 प्लस -20.5 प्लस -31.2 प्लस -60.5 और प्लस प्लस कोई ज्यादा मतलब नहीं रहे यहाँ पे, क्योंकि -21 -31.2 -20.5 -16.5 C2H4 plus H2 gives C2H6. So you can write delta H of this reaction is equal to delta formation of C2H6 minus delta HF of C2H4 minus delta HF of hydrogen. And we are going to write that delta H of this reaction is equal to delta H combustion of C2H6 plus delta H combustion of H2 minus delta H combustion of C2H6. Because see, this reaction means formation of C2H6 means 2C plus CH2 giving C2H6. Formation of C2H4 means 2C plus 2H2 giving C2H4. And formation of H2 means, H2 gives H2, so the 0 direction. So, if the equation can be evaluated now, this, reverse of this, अपने आप ही गैस को कैंसिल हो जाएगा, टू सी डी कैंसिल हो गया, फिर कैसे बोल गए और कंडीशन की क्वेश्चन लिखो सी टू एक्स की कंडीशन इक्वेशन होती है सी टू एक्स सिक्स प्लस 7/2 O2 जो 2CO2 प्लस 3H2 हाइड्रोजन की कंडीशन इक्वेशन होती है H2 प्लस 1/2 O2 जो H2 एंड C2H ये H4 होना चाहिए, ये C2H4 होना चाहिए। तो C2H4 की क्वेश्चन क्या होगी, C2H4 की क्वेश्चन होगी C2H4 प्लस 3O2 2CO2 प्लस 3H2 एडिशन ऑफ दिस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस विल गेट यू फाइनल रिजल्ट ऑफ C2H4 प्लस H2 गिविंग C2H6। कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना CO2 दो, ये CO2 से कैंसिल हो जाएगा, राइटर कितना है 3H2O, इससे कैंसिल हो सकते हैं, ये 3 और CO2 है वो भी यहां से कैंसिल हो सकता है, ऐसे क्या करना चाहिए कैंसिल हो गए, इक्वेशन बैलेंस करोगे कैंसिल हो, तो कौन सा है C2H2O प्लस H2 जो C2H6 एवरीथिंग इज गेटिंग कैंसिल हो विच वन और ये कैंसिल होने का मतलब क्या है कंडक्शन के टाइम में भी अगर इक्वेशन लिखे तो ये दोनों चीजें एक ही है, तो ये रिलेशन में यूज कर सकते हैं, अगले क्वेश्चन करते हुए ये समझते हुए क्वेश्चन में थोड़ी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। C2H2 जो साइड में एडवाइस गिवन समस्या सुनने के लिए कैलकुलेट करने के लिए समस्या C2H2 C2H2 कैसे बनता है, फिर ऐसे कैसे क्या होती है 2C प्लस H2 के C2H2 तो इसका आंसर 2 टाइम्स कंबेशन ऑफ कार्बन प्लस 1 टाइम कंबेशन ऑफ हाइड्रोजन माइनस कंबेशन ऑफ C2H2 ये ऐसे होगा। तो कभी समझ में आ रहा है कि आंसर इस क्वेश्चन का मैं डायरेक्टली बिना कोई क्वेश्चन लिखे ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 94.05 0.375 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3.375 ऑप्शन है कोई टू आ गया